TCL मोबाइल पॉइंट लाइन में आपका स्वागत है। मेरे पास मोबाइल है 8A, रेडमी का फ़ोन है 8A, 8A डुअल और रेडमी 8। एक ही मोबाइल होता है ये, इसमें बोर्ड एक ही लगता है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत है नो सर्विस की, नो सर्विस आ रही है। सिम डालो तो भी नो सर्विस शो करता है और ना डालो तो भी नो सर्विस शो करता है। इसमें सिम लगाई है और नो सर्विस शो कर रहा है। देखो इसमें सिम, ये देखो नो सर्विस शो कर रहा है। अब हमें इसमें सिम लगा दी है, नेटवर्क भी नहीं आ रहा और नो सर्विस पे रुका हुआ है। इसमें एक आईसी लगता है WTR 2956 नाम का एक आईसी होता है, वो नेटवर्क के लिए होता है, नेटवर्क सेक्शन में लगा होता है। नो सर्विस इशू नेटवर्क आईसी, नो सर्विस इशू MI, सैमसंग, वीवो, ओप्पो में लगा होता है। और देखो ये किसी ने काम किया हुआ है इस पर पहले भी। अब हम इसको बोर्ड को निकालते हैं, निकालने के बाद हम इसके कैमरे वगैरह सब रिमूव कर देंगे। कैमरे को रिमूव कर देते हैं। अब हम इसको कि जो प्लेट होती है नेटवर्क को आईसी को कवर की होती है जो प्लेट, वो उसको रिमूव कर देंगे। ये प्लेट लगी हुई है वाइट कलर की, इसको रिमूव करते हैं हीट गन की मदद से। रिमूव करने के बाद जो WTR 2956 नाम का आईसी है वो इसके अंदर लगा हुआ है। ये सारा सेक्शन नेटवर्क का सेक्शन है। देखो ये खुल गया है और अब हम इसको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद देखो ये है, ये आईसी है ना जो बीच में लगा हुआ है, ये वाला, ये WTR आईसी है। नेटवर्क इसकी नो सर्विस इसी की वजह से आती है। इस पर हम पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगाने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये ख़राब हो गया है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव हो गया है, ठीक है जी। ये आईसी ख़राब है, अब हम इसमें न्यू आईसी लगाएंगे। पहले इसको क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे बिल्कुल। इसको साफ करने के बाद फिर इसमें आईसी लगाएंगे। इसको बिल्कुल क्लीन कर लेंगे, बोले वगैरह सब कुछ साफ कर देंगे इसको, क्योंकि आईसी जो हमारा आईसी है वो अच्छे से बैठ सके, अच्छे से लग सके। अब हम इसको साफ कर देते हैं। ये देखो बिल्कुल साफ हो गया, क्लीन हो गया बिल्कुल। ओके, अब हम इसमें न्यू आईसी लगाएंगे। ये हमारे पास न्यू आईसी है। अब हम इसमें थोड़ी सी पेस्ट लगाकर हीट करेंगे इसको। हीट करने के बाद अब हम इसमें आईसी रखेंगे। अब हम इसी को हीट गन की मदद से इसको फिट कर देंगे। यस, अच्छे से बैठ जाएगा और थोड़ा सा हिला देंगे इसको क्योंकि अपनी बोल को पकड़ ले। ये देखो ये आईसी लग गया है।
अब हम इसको ठंडा होने तक इसकी वेट करेंगे या इस पे हीटर की मदद से इसको ठंडा कर देंगे। गर्म है अभी भी, थिनर लगा दिया और इसको ये ठंडा हो जाएगा। इसको क्लीन कर दिया बिल्कुल साफ। अभी इसमें से निकालेंगे इसको, निकालने के बाद हम अब चेक करेंगे इसको भी नेटवर्क हमारा आया या नहीं आया। ठीक है जी, आईसी बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है, बिल्कुल बढ़िया लगी है आईसी। अब देखते हैं, और कुछ भी नहीं किया, ओनली WTR चेंज की है इसकी। अब हम इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद पता चलेगा ये बिल्कुल ओके हुआ है या नहीं हुआ। एमरजेंसी पे आ गया है, अब ये नॉन सर्विस था, अब एमरजेंसी आ गया है। इसे में डाली हुई है अभी तक, और एमरजेंसी कॉल आ गया है, मतलब हमारा आईसी अच्छे से लग गया है और नेटवर्क भी 100% आना चाहिए। अब हम इसमें सिम लगाते हैं, ये देखो ये सिम लगा दी, और अपन देखते हैं एमरजेंसी कॉल है, नेटवर्क आ गया। देखो इसका मतलब WTR आईसी हमारा ख़राब था। नो सर्विस, जब नो सर्विस की दिक्कत आए तो नो सर्विस में WTR 2965 नाम का एक आईसी होता है, उसको चेंज कर दो, अच्छे से रिवोल्व करके लगा के देख लो, और फिर भी ना आए फिर उस आईसी को चेंज करना पड़ेगा। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, अगर वीडियो पसंद आई हो तो।